सेल्फ स्टडी का तो कोई तोड़ ही नहीं है। सेल्फ स्टडी के बल पर लोग कहाँ से कहाँ चले जाते। लुसेंट और क्राउन से रिजल्ट अगर होता तो हर किसी का रिजल्ट हो जाता। टुडे आई वांट टू नो द स्मार्ट स्ट्रेटजी टू क्रैक दिस एग्जाम। क्वेश्चन आप छांटिए और देखिए किस टाइप का पूछ रहा है, किस स्तर का पूछ रहा है, किस चैप्टर से पूछ रहा है। मतलब सिलेबस की समझ और क्वेश्चन बैंक की समझ, आधी सफलता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन ड्यूटी। सो इससे पहले जो हम दारोगा टॉपर्स के इंटरव्यू का एक सीरीज चला रहे थे, तो उसमें से अधिकांश टॉपर्स ने ये कहा था कि हम किसी न किसी रूप में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से जुड़े हुए थे। और फिर इसके बाद आप लोगों में से बहुत लोगों का कमेंट आया कि हम दारोगा तैयारी की पूरी रणनीति जानना चाहते हैं रोशन आनंद सर से। अभी हम आ गए हैं सर के पास, सर से बातें करेंगे और इन सभी चीज़ों को जानेंगे। और इससे पहले कम्युनिटी में जो हमने पोस्ट भी डाला था इन सब चीज़ों को जानने के लिए कि बताइए आपको क्या समस्याएँ हैं और रोशन आनंद सर से आप क्या आप सवाल पूछना चाहते हैं दारोगा तैयारी से संबंधित, तो फिर आप लोगों ने कमेंट किए थे। उन सभी कमेंट में जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन थे वो मैंने फाइंड आउट कर लिए हैं, वो सभी चीज़ें भी सर से जानेंगे। तो चलिए सर से बातें करते हैं और जानते हैं दारोगा तैयारी को शुरू करने से लेकर उसे अंजाम तक पहुँचाने की पूरी रणनीति को। सर स्वागत है आपका ऑन ड्यूटी में। धन्यवाद सर। अभी जो सबसे बड़ा और सबसे मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो अभी एस्पिरेंट्स का है सर, कि वैकेंसी को लेकर, इसको लेकर सर एक अलग ही संग्राम चल रहा है, सभी का प्रेडिक्शन फेल हो रहा है, क्या लगता है सर कब तक संभावना है आने की? देखिए एक बात तो ये है कि नोटिफिकेशन देना ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है। जी। लोग कोई भी टीचर के क्षेत्राधिकार में ये नहीं है, ये है BPSSC बोर्ड के क्षेत्राधिकार में। तो उसका जब भी इच्छा होगा तो वो नोटिफिकेशन जो है दे सकता है। लोग एक अनुमान लगाते हैं कि नवंबर में आ रहा है, दिसंबर में आ रहा है, जनवरी में आ रहा है, फरवरी में आ रहा है, तो लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में जो गांधी मैदान में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश जी आपको 10,000 से ज़्यादा बिहार दरोगा और बिहार पुलिस कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र दिए, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश जी के द्वारा कई सारी बातें कही गई। उसमें यह भी बात कहा गया कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया में जोर शोर से विभाग काम करे। तो इसको लेकर के नीतीश जी के इस स्टेटमेंट से लगता है कि जल्द से जल्द वैकेंसी आने की संभावना है, लेकिन कुछ भी कहना मुश्किल है कि फलना माह ही आ जाएगा, लेकिन वैकेंसी आएगी ये सत्य है। और छात्रों से हम ये कहेंगे कि तो वैकेंसी तो आएगा ही, 2000 प्लस और 2500 से कम। जो सच में तैयारी करने वाले छात्र है वो वैकेंसी का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो तैयारी कर रहे हैं। और जो वैकेंसी जप रहा है ना, उसका रिजल्ट नहीं होता है। जो गुमनामी में जाकर रूम में बैठकर रूम लॉक करके तैयारी कर रहा है, रिजल्ट उसका होता है, समझे? तो इसलिए वैकेंसी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना है। और बिहार है, बिहार में या देश में भी आप देखेंगे कि इलेक्शन के वर्ष वैकेंसी एकदम पर्याप्त मात्रा में रहता है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, 2025 में बिहार विधानसभा, तो 2023 का वर्ष वैकेंसी आना ही आना है, चाहे जब भी आ जाए वैकेंसी आएगा। अच्छा सर, वैकेंसी आने के बाद सर कितने दिन का टाइम एंड अप्रोक्सीमेट सर मिलता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए? वैकेंसी आने के बाद ऑन एवरेज आपको 4 से 5 महीना मिलता है प्रीलिम्स में। सर ऑन एवरेज अगर कहा जाए तो लगभग अभी 6 महीने का वक्त है, अगर वैकेंसी अगर दिसंबर जनवरी में दे भी दी जाती है तो। हाँ हाँ, 6 महीना का समय है। अच्छा। यानी अगर वैकेंसी मान लिया जाए कि पेपर में पिछले दिनों दिया हुआ भी था कि दिसंबर में पुलिस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत होगी, अगर दिसंबर में भी आ भी जाता है तो जो परीक्षा होगा वह आपको अप्रैल मई में होगा, उससे पहले परीक्षा नहीं होगा। अच्छा। यानी 6 महीना का समय है विद्यार्थी को अभी तैयारी करने के लिए कम से कम। सर इस 6 महीने में कोई स्टूडेंट जो दारोगा तैयारी से अनभिज्ञ है, उसे दारोगा तैयारी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो अगर चाहे कि हम दारोगा बनना चाहते हैं तो क्या सर इन 6 महीने में पूरी प्लानिंग के साथ पढ़कर दारोगा एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है? एकदम किया जा सकता है, एकदम किया जा सकता है। देखिए उसके लिए जो है
विद्यार्थी को, एक तो आपका जो सवाल था उसका आंसर है हाँ किया जा सकता है, 6 महीना कम नहीं होता है, 6 घंटा में ऐसा कहा जाता है 6 घंटा में इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, तो 6 महीना तो बहुत है। और सबसे बड़ी बात है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर पकड़ बना करके जो है लोग कर सकते हैं 6 माह में। सर अभी 3 टाइप के एस्पिरेंट हैं, एक तो वो एस्पिरेंट है सर जो अभी जस्ट ग्रेजुएशन में एंटर किए हैं, एक वो है जो अभी जिसका ग्रेजुएशन हो चुका है, एसएससी की तैयारी कर रहे थे, रेलवे कर रहे थे, लेकिन वो सोच रहे हैं कि हम दारोगा बनेंगे, और एक वो है सर जिसकी थोड़ी बहुत तैयारी हो चुकी है या फिर वो 1-2 अटेम्प्ट ले भी चुके हैं। तो सर इन सभी छात्रों के लिए तीनों कंबाइंड अगर कर दें, और ख़ास करके देखा भी जाता है सर कि जो नए छात्र हैं खासकर उनके बीच कि शुरुआती क्षण में जब वो तैयारी स्टार्ट करते हैं कहीं से किसी टीचर्स का इंटरव्यू देखे या फिर किसी टॉपर्स का शो देखे, वो सीधा उनके द्वारा सजेस्ट किए गए बुक लिस्ट को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। शुरू में ऐसा देखा जाता है अमूमन कि वो सिलेबस और क्वेश्चन बैंक को नहीं देख पाते हैं, सर कितना ज़रूरी है ये चीज़? सिलेबस और क्वेश्चन बैंक की समझ आपके रिजल्ट होने कि 50% संभावना वहीं पे बन जाता है जब आप सिलेबस को समझ गए और क्वेश्चन बैंक को समझ गए। हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई छात्र पूरे सिलेबस को बारीकी से समझ गया और क्वेश्चन बैंक को बारीकी से समझ गया तो 50% तैयारी उसका वहीं हो जाता है, मतलब सिलेबस की समझ और क्वेश्चन बैंक की समझ आधी सफलता, तो आप कह सकते हैं बहुत बड़ा योगदान होता है। सर इसका सिलेबस पूरी तरह से डिफाइन है? एकदम डिफाइन है सिलेबस, सिलेबस डिफाइन है, जो जीएस है हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इकोनॉमिक्स करेंट मैथ रीजनिंग यही सब चीज़ पूछता है। अच्छा सर अब आते हैं सर एस्पिरेंट्स के लिए जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं उनके कि जो नए एस्पिरेंट है सर, 3 टाइप से हमने पहले बताया कि एक वो जो ग्रेजुएशन में जस्ट एंटर किए हैं, एक वो जो सोच रहे हैं कि हम बन जाएंगे, एक वो जो लगभग तैयारी कर चुके हैं थोड़ा बहुत। सर ऐसा कौन कौन सा बुक उसे फॉलो करना चाहिए आपके अनुसार सर कि इन सभी पूरे सिलेबस के सभी टॉपिक्स का अच्छे से समावेशन हो, उसमें पूरा कंसेप्ट उसका क्लियर हो जाए और मेंस तक वो बिल्कुल बेधड़क निकल जाए? देखिए जो एकदम न्यू है, जो ग्रेजुएशन में है, पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, पार्ट 3 में है, वो अगर बिहार दरोगा का सपना देखते हैं तो उनके पास सफिशियंट टाइम है अभी जी। तो उनके लिए एक अलग क्राइटेरिया है, सबसे पहले उन्हीं के विषय में बताते हैं। उनको ये होना चाहिए कि कोई भी एक सब्जेक्टिव बुक और उसके साथ साथ एक ऑब्जेक्टिव बुक उठा करके वो पढ़े। जैसे सब्जेक्टिव बुक में दृष्टि पब्लिकेशन का क्विक बुक सीरीज आता है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी साइंस, उसको उठा करके पढ़े, उसका शॉर्ट नोट बनाए, और साथ ही साथ उसके साथ जो है आपको लुसेंट ऑब्जेक्टिव उसको करे। अगर ये चीज़ करते हैं तो हमको लगता है कि उनका एक बेस स्ट्रांग हो जाएगा और साथ ही साथ बिहार दरोगा के अनुकूल उसकी तैयारी भी काफ़ी बेहतर हो जाएगी जी। तो जो ग्रेजुएशन में है उनके लिए ये है जी। और साथ ही साथ ग्रेजुएशन वाले लोगों से ये भी कहेंगे कि प्रतियोगिता दर्पण मासिक आप अभी से कीजिए और उसको पूरा पढ़िए, अभी आपके पास सफिशियंट टाइम, आप उसको पूरा पढ़िए, जीएस के भी चीज़ों को उससे छांट करके कॉपी बना करके लिखिए, करेंट भी पढ़िए, करेंट भी अभी से पढ़िएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि उस टाइम में करेंट पढ़ने में आपको बोझ नहीं बुझाए। तो ये काम करें और अपना कॉपी बनाए, दूसरे के नोट पर कितना दिन आप खेपिएगा, अपना कॉपी बनाए, अपना सब चीज़ बनाए। और ये काम वो छात्र कर सकते हैं, दृष्टि क्विक बुक को समझना आसान नहीं है, ये काम वो छात्र कर सकते हैं जिस छात्र में बेसिक है, जो बेसिक जानता है वो ये कर सकता है। अगर आप बेसिक नहीं जानते हैं, अगर आपका बेसिक कमज़ोर है, तो आप किसी भी टीचर से जुड़ करके एक बार जीएस निश्चित तौर पर पढ़ ले और मैथ रीजनिंग भी आप निश्चित तौर पर पढ़ ले। अगर आपका बेसिक
कमज़ोर है तो, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो फिर आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। और सेल्फ स्टडी का तो कोई तोड़ ही नहीं है, सेल्फ स्टडी के बल पर लोग कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। तो ये पहला कैटेगरी। दूसरा है, दूसरा आपका था ये कि जिनका ग्रेजुएशन हो गया है वो जो नया तैयारी करना चाहता है उसके लिए हम यही कहेंगे कि वो जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पे पकड़ बनाए उतना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है तो उनके लिए ये है। और ऑब्जेक्टिव बुक के लिए घटना चक्र को वो फॉलो करें, क्योंकि जो घटना चक्र है ना वो पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बिहार दरोगा बहुत सारा क्वेश्चन पीसीएस का सीधे तौर पर उठा करके दे देता है। फिर तीसरा है, जो लोग दो अटेम्प्ट दे दिए हैं, एक अटेम्प्ट दे दिए हैं, तीन अटेम्प्ट दे दिए हैं 17-17 से लेकर अभी तक, लेकिन फिर भी उनको सफलता हाथ नहीं लग रही है, उनके लिए मेरा सलाह ये है कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा बेटर होगा उनके लिए। और सेट प्रैक्टिस के बल पर भी लोग रिजल्ट ले रहे हैं, जिनका नहीं हो रहा है, तीन बार से, दो बार से, तीन बार से, एक बार से, मतलब उन्होंने सिलेबस पढ़ा है, और अगर उन्होंने सिलेबस पढ़ लिया तो सिलेबस का रिवीजन करे और जितना ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करे, जहाँ पर भी, जिस भी संस्थान में चलता है, कहीं से भी आप जुड़ करके सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ पर भी चलता है, यहाँ से भी जुड़ करके, या जहाँ पर आपका इच्छा हो वहाँ से सेट प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ओके सर, एक चीज़ और है कि आपने सर इतने सारे रिजल्ट दिए, ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी ने बहुत सारे रिजल्ट दिए, गवाह है आज सर पूरी बिहार। सर, उन सभी एस्पिरेंट्स के भीतर और उन सभी एस्पिरेंट्स ने कहीं स्टेज पर जाकर किसी शो में आकर यही कहा है कि हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस, दैट्स यूनिवर्सल ट्रूथ सर, बट टुडे आई वॉन्ट टू नो द स्मार्ट स्ट्रैटेजी टू क्रैक दिस एग्जाम। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है आपका जी। हार्ड वर्क तो ज़रूरी है ही, इसमें कोई शक नहीं है, बिना हार्ड वर्क के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। सफलता के लिए तीन चीज़ आवश्यक है, सबसे बड़ा चीज़ है मेहनत, फिर दूसरा है स्वयं अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, और फिर तीसरा है आपका एक लक फैक्टर भी काम करता है, समझ गए। ये तीन चीज़ का जब कॉम्बिनेशन मिलेगा तभी आप सफल हो पाइएगा। अब देखिए, आपने बेहतर रणनीति, स्ट्रेटजी के विषय में आपने बोला है बेहतर रणनीति, तो बेहतर रणनीति ये है, सिलेबस को समझिए, पिछले पूछे हुए क्वेश्चन को समझिए, टॉपिक छांटिए, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, टॉपिक छांट लीजिए हर सब्जेक्ट में, हाँ इस सब्जेक्ट में यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, उसको अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, दूसरा सब्जेक्ट का टॉपिक छांटिए, उसमें कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, उस चीज़ को आप तैयार कर लीजिए, और फिर अपना एक प्रॉपर कॉपी बना लीजिए। और देखिए, क्वेश्चन बैंक को जब आप देखते हैं ना, तो क्वेश्चन बैंक आपको जो दिशा निर्देश देता है उसके अनुसार अगर आप हर सब्जेक्ट के टॉपिक को शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहा है उस पर आप ज़्यादा फोकस करते हैं, तो आपके सफल होने का बहुत ज़्यादा चांस है। एक ये हो गया। दूसरा, सेट प्रैक्टिस एकदम ज़रूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसे आप थ्योरेटिकली सही नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर वो एक बार आप सेट मारते हैं, एक बार गलती हो जाता है, दोबारा घर पे जा करके देखते हैं, नहीं इसका ये नहीं ये होगा, तो फिर वो आपका जीवन में कभी गलत नहीं होता है। तो एक ये हो गया। और जो भी आप सेट मारते हैं उसका डिस्कशन कीजिए, आप टीचर के भरोसे मत रहिए, आप स्वयं से भी किताब का मदद लेकर के उसका डिस्कशन कीजिए। तो ये दो काम अगर कोई भी विद्यार्थी अच्छे ढंग से करते हैं तो हमको लगता है ये बेहतर रणनीति होगा अपने आप में। सर, अब आ जाते हैं कि प्रीलिम्स एग्जाम में जो होता है सर, कि वो करंट अफेयर्स के लिए, आपने सर बताए भी थे कि जो न्यू एस्पिरेंट है उसे करंट को साथ लेकर चलना चाहिए, सर करंट अफेयर्स के लिए क्या फॉलो करें, और सर कितने दिन तक का, कितने पुराने टाइम तक का करंट अफेयर्स को लेकर चलना चाहिए? कम से कम एक साल के करंट अफेयर को लेकर के चलना चाहिए जी। और अगर आप बुक की बात करें तो बुक तो मार्केट में बहुत सारा है, तो एक तो हम ये कहेंगे कि न्यूज़पेपर आप देखिए,
हिंदुस्तान बिहार के संदर्भ में हिंदुस्तान न्यूज़पेपर देखिए और कोई भी एक मैगजीन मंथली पढ़िए, जैसे दृष्टि का भी है, क्रॉनिकल का है, प्रतियोगिता दर्पण का है, कोई भी एक, और उसका भी स्वयं से शॉर्ट नोट बनाइए, उससे बेहतर करेंट के लिए कुछ नहीं है। अच्छा सर, अब आ जाते हैं मेंस की तरफ। मेंस में सर हमने टॉपर्स के भी इंटरव्यू किए थे, लेकिन उसमें सर अवॉइड किया था कि हिंदी के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है, लेकिन फिर भी सर इसके बाद कुछ एस्पिरेंट्स पूछ रहे हैं कि नहीं आप हिंदी को ऐसे कैसे इग्नोर कर सकते हैं। क्या लगता है सर, हिंदी को किस तरह से देख रहे हैं आप? इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है या फिर एक स्मार्ट तरीके से काम करके इस पर निकला जा सकता है? जहाँ तक हिंदी का सवाल है तो इग्नोर तो नहीं ही किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप वहाँ पास करते हैं तभी जा कर के आपका मेंस का कॉपी चेक होता है, जीएस का सेकेंड पेपर चेक होता है जी। तो इग्नोर करना सही नहीं होगा, लेकिन स्मार्ट स्टडी करना ज़्यादा बेटर होगा। हिंदी, आप हिंदी, बिहार हिंदी भाषी राज्य है, आप हिंदी भाषी राज्य में पैदा हुए हैं तो आपको हिंदी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। आप परीक्षा से एक माह पहले से आप हिंदी पढ़ना प्रारंभ कीजिएगा, एक से दो घंटा करके आप हिंदी पढ़िएगा। हिंदी में क्या पूछा जाता है? विपरीतार्थक शब्द पूछा जाता है, समानार्थी शब्द पूछा जाता है, कौन सही वाक्य है, कौन गलत वाक्य है, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, फिर जो है आपको कुछ पुस्तक, लेखक, यही सब पूछा जाता है। ये सब तो आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, तो स्मार्ट तरीका से पढ़ना ज़्यादा बेटर है। बहुत ज़्यादा दिमाग पर जो है बोद्रेशन नहीं लेना है कि हिंदी भी है, आप नहीं भी पढ़ के जाते हैं फिर भी लोग पास कर जाते हैं, लेकिन रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ के जाएंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिगड़ेगा, फिर हो सकता है हिंदी में भी, हिंदी में ही ओएमआर सीट में ही आप गलती करके आ गए, तो ये होता है। तो इसलिए पढ़ के तो निश्चित तौर पर जाए ताकि सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहे, और सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा चीज़ है कि आप अगर आपके भीतर अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, 50 क्वेश्चन जानते हैं तो आप 55 से 60 क्वेश्चन बना करके आ जाइएगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए एक माह पहले ज़्यादा से ज़्यादा एक से दो घंटा करके जो टॉपिक हम बोले हैं उसको एक बार पढ़ ले, किसी भी बुक से उठा करके, बेटर। अब आते हैं सर मेंस में, और मैथ और रीजनिंग, सर हम साइंस की भी बात कर लेंगे, मैथ और रीजनिंग सर ये मेंस में जो एक तरह से मेरिट में ऊपर लेकर जाता है, इसके लिए क्या स्मार्ट तरीका होना चाहिए? मेंस में मैथ और रीजनिंग हाँ पूछा जाता है लगभग 15 से 20, और एक बार तो 2446 में हमको लगता है 25 के आसपास पूछ दिया, 2213 में 19-20 के आसपास पूछा था। तो मैथ और रीजनिंग में क्या है, देखिए जीएस अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मैथ रीजनिंग का कंसेप्ट है आप 20 में 20 करके आ सकते हैं। मैथ और रीजनिंग मेरिट बनाने में एक अहम रोल अदा करता है, बिना मैथ रीजनिंग का आपका मेरिट बन ही नहीं सकता है। तो मैथ रीजनिंग में आपका स्मार्ट तरीका ये होना चाहिए कि जो 1717 2446 2213 में परीक्षा हुआ है उसका मैथ रीजनिंग का जो है क्वेश्चन आप छांटिए, और देखिए किस टाइप का पूछ रहा है, किस स्तर का पूछ रहा है, किस चैप्टर से पूछ रहा है। अगर फॉर्मूला बेस्ड पूछ रहा है तो फॉर्मूला आप याद करके जाइए, अगर ट्रिकी पूछ रहा है तो ट्रिक आप सोच समझ करके जाइए, अगर अर्थमेटिक पूछ रहा है तो अर्थमेटिक को बेहतर करके जाइए। ऐसे बिहार दरोगा में जो है मैथ में अर्थमेटिक, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिगो सब हर चीज़ पूछ रहा है, तो हर चीज़ का, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, नहीं, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मैथ के अंतर्गत हर सेगमेंट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी जा करके आप जो है वहाँ पे बेहतर कर पाएंगे। तो मैथ और रीजनिंग के अंतर्गत हर सेगमेंट का जो है एक एवरेज नॉलेज निश्चित तौर पर विद्यार्थी प्राप्त करने का प्रयास करे, ताकि वो मेंस में 20 में 20 क्वेश्चन बना के आ पाए, और थोड़ा बहुत कंसेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। सर साइंस के लिए क्या करें? साइंस के लिए सर वही घटनाचक्र वाली बुक फॉलो करें या सर इसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक अलग से आप सजेस्ट करेंगे? नहीं, ठीक है, घटनाचक्र सही है, घटनाचक्र सही। अच्छा सर, अब आ जाते हैं कि इन सब चीज़ों को करने के बाद सर, इस सारी बुक करने के बाद लास्ट में और इन सब प्रिपरेशन के दौरान जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो जाती है, सेट प्रैक्टिस और रिवीजन। सर ये सेट प्रैक्टिस और रिवीजन को किस प्रकार करनी चाहिए? देखिए बहुत सारा बच्चा होता है, मार्केट का कोई भी सेट उठा करके बना लिया, 75 सही हुआ, सिर्फ यहाँ तक नहीं रुके, 75 से हो चलिए ठीक है, हम 100 में 75 जानते हैं अच्छी बात है, लेकिन 25 तो हम नहीं जानते हैं जी। तो 25 को स्वयं से डिस्कशन करें। अगर आप कोई भी सेट बनाते हैं
उस सेट के 100 क्वेश्चन को आप स्वयं से क्लियर करते हुए जाते हैं तो ये काफ़ी बेहतर तरीका होता है। तो आप कोई भी सेट बनाइए, उस सेट में 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में आप जितना जानते हैं अच्छी बात है, जितना नहीं जानते हैं उसका आप स्वयं डिस्कशन करें, उसका एक कॉपी बना लें और परीक्षा के टाइम में जो है उसका आप रिवीजन करके जाएं कि हाँ फलना फलना क्वेश्चन था, फलना फलना चीज़ है जो हम भूल जाते हैं, जो हमको याद नहीं है, उन चीज़ों को रिवीजन करके जाइए। तो मतलब सेट प्रैक्टिस, एक तो यहाँ पे बिहार दरोगा परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इश्यू नहीं होता, 2 घंटा है, जीएस का क्वेश्चन है, आप आराम से बना करके आइएगा, तो टाइम इश्यू नहीं है। लेकिन सेट प्रैक्टिस से आपका होता ये है कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को जो है देख पाते हैं, तो ये चीज़ आपको परीक्षा में कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतर करता है। ओके, और सर रिवीजन किस प्रकार से करनी चाहिए? देखिए, एक तो रिवीजन का तरीका यहाँ के छात्रों का बहुत गलत है कि जैसे अगर हम बोलेंगे रिवीजन करना है तो वो पहला चैप्टर से लेकर जो है अंतिम चैप्टर तक आपको रिवीजन करेगा, तो ये रिवीजन का सही तरीका नहीं होता है। बल्कि रिवीजन का मतलब ये होता है कि हम जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के अंतर्गत जो क्वेश्चन हम जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते हैं उसका एक कॉपी अलग से बना लेंगे, और रिवीजन के वक्त जो जानते हैं उसका नहीं करना है, जो हम नहीं जानते थे उसका जो कॉपी हम बनाए हैं उसका हम रिवीजन करें। मतलब कुल मिलाकर के हम कहना ये चाह रहे हैं कि विद्यार्थी जब तैयारी करता है तो उस तैयारी के दौरान विद्यार्थी को अपना एक शॉर्ट नोट बनाना चाहिए, और जब रिवीजन का समय आए तो उस शॉर्ट नोट का रिवीजन करे, ना कि पूरे सिलेबस का रिवीजन करे। पूरे सिलेबस का रिवीजन आप नहीं कर सकते हैं, आप पे बोदरेशन रहेगा, प्रेशर रहेगा, नहीं कर पाइएगा, लेकिन आपका अपना शॉर्ट नोट होगा उसका आप रिवीजन आराम से कर लेंगे। तो शॉर्ट नोट बनाएं ताकि परीक्षा के टाइम में रिवीजन में आपको आसानी हो। ओके सर, अब आ जाते हैं जो अभी जो सबसे बड़ा सर ये देखा जा रहा है छात्रों के बीच कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि हम लूसेंट और क्राउन पढ़कर सिलेक्शन ले लिए। सर क्या लगता है लूसेंट और क्राउन सिलेक्शन आज के डेट में दिला सकता है? देखिए, सिर्फ उतना पढ़ने से सिलेक्शन नहीं हो सकता, उतना पढ़ने से आप का रिजल्ट हो सकता है, आपका बेस स्ट्रांग हो सकता है, सिर्फ वो 2 बुक पढ़ के रिजल्ट नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं वो घटना चक्र किया होगा, किसी टीचर के पास पढ़ा होगा, कोई सेट मारा होगा। सिर्फ लूसेंट और घटना लूसेंट और क्राउन से रिजल्ट अगर होता तो हर किसी का रिजल्ट हो जाता। आपके सामने क्वेश्चन है 2213 के मेंस का, देखिए उससे पहले 1717 में लूसेंट क्राउन पे रिजल्ट हो सकता था, इसमें कोई शक नहीं है। 2446 में लूसेंट क्राउन पे आपका मेंस में रिजल्ट हो सकता था, मेरिट में आप छट जाते। 2213 में अब ये 2 बुक से होना मुश्किल है, 2213 में सिर्फ ये 2 बुक से नहीं हुआ है रिजल्ट, बल्कि ये 2 बुक का सहयोग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नेक्स्ट जो वैकेंसी है उसमें भी अगर लोग चाहते हैं कि सिर्फ उसी को पढ़ करके रिजल्ट ले ले तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके साथ कुछ ना कुछ आपको तर्का निश्चित तौर पर लगाना होगा, मतलब कुछ बुक को आपको ऐड करना होगा, तभी जा करके कुछ होने जा रहा है। सर और जो एक चीज़ आ रही है सर, अब जो क्वेश्चन ले रहे हैं सर, आगे हम एस्पिरेंट्स का क्वेश्चन ले रहे हैं, कम्युनिटी में हमने पोस्ट किया था कि बताइए क्या हेल्प चाहिए हमारी, कि सर से हम वो सवाल पूछें। सर एक और प्रश्न आ रहा है कि आपका बैच सर कब आ रहा है ज्ञान बिंदु का? बैच 2 दिसंबर से आ रहा है, नया बैच कल से आ रहा है 2 दिसंबर से। ओके, आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। मिलेंगे एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।